हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लिंक शेयर करने वाले हैं तो वो हमें हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है, उनका नाम कुछ अलग है। तो यहाँ पे जो आप उनका नाम, चैनल का नाम है नवोदय एकेडमी इंदौर, तो ये वहाँ से हमें शेयर किए हैं, तो आज इसी के वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये सर्च एड्रेस पर, आपको ये देखिए जैसे कि ये ऊपर में सर्च एड्रेस पर जो है लिखा हुआ है, इसको आपको टाइप कर लेना है। जैसे कि मैं इसको आपको बता देता हूँ, इस पे लिखा हुआ है सार्थक, SARTHA के सार्थक .nhmmp.gov.in/covid /test-result-status फिर स्लैश देके आपको इसको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि स्टेट पोर्टल COVID-19 मॉनिटरिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप जान सकते हैं, यहाँ पे नो RT-PCR टेस्ट रिजल्ट, RT-PCR टेस्ट रिजल्ट का यहाँ पे आप रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि इसको रिपोर्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे देना होगा आपका मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जब वहाँ पे टेस्ट कराते हैं तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे आप जो देते हैं वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर SRFID और ICMR ID आपको यहाँ पे एंटर करके, फिर ये नीचे जो कैप्चा, ये जो देख रहे हैं ये कैप्चा जो है, ये कैप्चा कोड आप ये नीचे आपको यहाँ पे फिल करके उसके बाद सर्च पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे पूछते हैं हमसे कि कैप्चा कोड आखिर होता क्या, तो कैप्चा कोड यही होता है जो यहाँ पे आपको फिल करना होता है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड आपको एज इट इज़ यहाँ पे फिल करके उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद अपना SRFID या ICMR ID यहाँ पे ऐड करना है, फिर उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे देके उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रिपोर्ट है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो और आपको अगर कोई अदर स्टेट्स के लिए हेल्प चाहिए तो उस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अदर स्टेट्स के लिए आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप घर पे रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।